students. So far we have done this and the paragraph is completed it. अच्छा जी सर, उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि मुख्तलिफ मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी सहाबी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की हिजरत के बारे में सुना तो वो तैश में आ गए और उन्हें ढूंढने का पहले से भी पक्का इरादा कर लिया। अब जो मक्का के लोग थे उस वक्त, जो कुरैश के जो लोग थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम को फैलाएं, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनली गॉट द मैसेज फ्रॉम अल्लाह के अब ही हैज़ टू स्प्रेड इस्लाम। ठीक है, तो जब उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया, जो दुश्मन थे दे डिड नॉट टॉलरेट दिस, उन्होंने ये टॉलरेट नहीं किया और दे वॉन्टेड टू किल देम नाउज़ुबिल्लाह, और दे ट्राइड फुली ट्राइड कि वो किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो कैप्चर कर लें और उनको इस चीज़ से रोकें। उन्होंने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि डोंट डू दिस, ये चीज़ मत करो, स्टॉप स्प्रेडिंग इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वट एवर, जो भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, जो भी, मैं इसको अल्लाह के पैगाम को फैलाने से नहीं रुकूँगा, मुझे अल्लाह ने ये पैगाम दिया और मुझे इसको फैलाना है। तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी अपनी जान की फिक्र नहीं की और उसके अंदर हज़रत अन्हो जो थी, हज़रत अबू बकर सद्दीक अन्हो की बेटी थी, उन्होंने बहुत मदद की अपने वालिद की भी और उनके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि उनके वालिद के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने बहुत मदद की, उनकी खाने का इंतमाम किया सारा उनका। जब वो गारे सौर में होते थे उस वक्त दुश्मनों से जब बच के वो निकल के वहाँ पर छुपे हुए थे, On that time, what happened on that time? They helped them. उन्होंने उनकी मदद की और उनकी मदद के साथ साथ वो उस वक्त उनको जो है वहाँ पर वो प्रॉपरली जो है वो कर दे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।